जो छठा सर्कल है उसके शिंग की शुरुआत यहाँ पे इधर हो चुकी है। द ब्रूटालिटी इज ऑन टू दिट स्पीक राइट नाउ और ओके जस्ट लुक कितना ज्यादा क्लस्टर रहने वाला है ब्लैक डॉट। माय गॉड दिस इज एब्सोल्युटली अ क्रेजी वन। एक इंडिविजुअल फाइट से यहाँ पे कवर करना इज नॉट गोना बी पॉसिबल बट देखते देखते यहाँ पे जो तादाद है गिनतियों में यहाँ पे कम होती जा रही। एवरी सिंगल सेकंड अ प्लेयर इज एलिमिनेटिंग। वो देख लीजिए यहाँ पे आप ऊपर रिमेनिंग के ऊपर देखिए ऐसे कम हो रहे हैं जैसे प्लेयर्स यहाँ पे इधर नहीं टाइम यहाँ पे कम हो रहा है। बट हाइड्रा अल्फा की बात करें, जनरेशन की बात करें, मस्ती जोन के प्लेयर्स की बात करें, टीपा के प्लेयर्स की बात करें, मयूर गेमिंग, ए आर, टीम डेंजर, बी आई लॉल्स, हाइड्रा कानी, ये सारे ही सारे टीम्स और प्लेयर्स सर्कल के अंदर रहने वाले हैं। सभी का एलिमिनेशन जो है वो हमें यहाँ पे विटनेस करने के लिए मिल जा रहा है। बट ओके वेट अ मिनट, एक साथ इतने सारे प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, क्या चल रहा है ब्लैक डॉट? बिल्कुल वहां पे मुझे लगता है दौड़ चल रही है कि कौन सरवाइव करेगा। इतने करीबी इतनी करीबी आई थिंक रियल लाइफ में अच्छी होती है, लेकिन जब बात आती है बीजीएमआई की तो करीबी यहाँ पे काफी नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पे वुल्फ इज लाइव हो जाएंगे, टेक डाउन भी आए कि टी2 आपको देखने मिलेंगे जो एग्जैक्टली आई थिंक वो पेड़ का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे बाइसेप्स की बात करें तो बाइसेप्स एंड डेंजर ये डेडली डू अभी भी सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे केशव की तरफ से आई थिंक अक्षत व्हाइट ही सर्वाइव करेंगे। इतने सारे टीमें हैं, टोटल 7 टीमें इतने छोटे सर्कल में। सीरियसली लाइक मैं ये काफी टाइम के बाद देख रहा हूँ एवरडेड कि इतने छोटे सर्कल में इतने ज्यादा खिलाड़ी एक साथ हमें देखने मिले। बात करेंगे यहाँ पे टी2 की, आप देखिए थोड़ी लूट यहाँ से लेना चाहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे अब सर्कल के अंदर मिनवाइल को जाना पड़ सकता है। ये अगर देखने मिल जाए तो काफी बढ़िया रहने वाला है। मुझे लगता है 58 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे अक्षत को निकालना पड़ेगा। टी2 मुझे लगता है सर्कल के अंदर रहने वाले तो उसका एडवांटेज मिलेगा। न्यूक्लिया मस्ती जोन की तरफ से आप देख सकते हो कंफर्मेशन निकाला जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं मस्ती जोन अपनी लोकेशन यहाँ पर रिवील कर चुके थे, उनको भी यहाँ पर फिनिश किया जाए। #6 के पोजीशन पे आई थिंक फिनिश होते नजर आया हमें। वेल अभी भी यहाँ पे सिलसिला चल रहा है, प्लेयर्स को यहाँ पे नॉक किया जा रहा है। टीम डेंजर यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से आप बोलोगे एवर्टेड तो #2 के पायदान तक पहुंची है। अक्षत वाइटी अकेले खिलाड़ी है, 1v2 का सिनेरियो रहेगा अक्षत वाइटी के लिए। बात करेंगे यहाँ पे डेंजर की टीम की तो 2v1 का बैटल यहाँ पे बना सकते हैं अगर बाइसेप्स को रिवाइव मिलेगा, लेकिन इतना टाइम क्यों खर्चा करेगा कोई जब आप सामने अकेले जा सकते हो एंड कंफर्मेशन निकाल के ला सकते हो। तो डेफिनेटली वो चीज यहाँ पे डेंजर करके दिखाते हमें नजर आए, रिवाइव नहीं किया, सीधा यहाँ पे अटैक किया अपने एनिमीज के ऊपर एंड काफी जल्दी इस मैच को यहाँ पे खत्म किया। एंड जो एक